हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको वेक्टर स्पेसेस के चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ, बेसिस एंड डायमेंशंस। बेटा, दो तीन पार्ट्स आएंगे इसके, वॉच करना सारे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, बेसिस की बात करनी है और डायमेंशन की बात करनी है, तो पहले बेसिस पता होगा तभी डायमेंशन पता चलेगा। देखो, डेफिनेशन क्या है बेसिस की, कि आपको कोई वेक्टर स्पेस दे रखा है वी, आपने उसका कोई सबसेट ले लिया, ठीक है। सबसेट एम्प्टी भी हो सकता था, नॉन एम्प्टी भी हो सकता था आपके पास, क्योंकि एम्प्टी सेट भी बेसिस बना देता है, ठीक है ना। देन एस इज अ बेसिस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन होल्ड। देखो, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब आप लीनियर इंडिपेंडेंस के ऊपर पूरा एक लेक्चर, दो लेक्चर सुन चुके हो, तो आपको सबको पता है लीनियर इंडिपेंडेंस का क्या मीनिंग होता है। दूसरी बात, वी इक्वल टू स्पैन एस, इसका क्या मतलब है? एस जनरेट्स वी, आप सबको पता है स्पैनिंग का क्या मीनिंग है, जनरेट्स का क्या मीनिंग है। इसके ऊपर भी हमारा पूरा एक सेक्शन था, मैंने आपको स्पैन एस निकालना भी सिखाया, थ्योरम्स भी कराई रिलेटेड, ठीक है। तो अब मैंने आपसे ये कहा कि ये मेरा सेट है वी वेक्टर स्पेस, ये मेरा एस कोई इसका एक सबसेट है। इस एस के पास एक तो लीनियर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, दूसरा स्पैनिंग सेट होना चाहिए, मतलब स्पैन करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर होल्ड कर रही है तो उस सेट को हम बोल देंगे कि वो उसका बेसिस है। किसका बेसिस है? एस इज अ बेसिस ऑफ वी, ठीक है। अब अगर एस बेसिस है वी का, तो एस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस, जो भी उसका बेसिस बनाया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। अब देखो बेटा, बेसिस ना कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो, बेसिस तो एक वेक्टर स्पेस के बहुत सारे हो जाते हैं, बट चाहे एक वेक्टर स्पेस के 10 बेसिस आ जाएं, हर एक के एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल रिमेन सेम। अगर मान लीजिए आपके पास आर क्यूब है, तो आर क्यूब के 3 बेसिस निकाल लिए आपने, 4 निकाल लिए, 5 निकाल लिए, जितने मर्जी बेसिस निकाल लो, सबके अंदर एलिमेंट्स सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, सॉरी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिस के, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन, ठीक है। पहले यहाँ पे डायमेंशन की डेफिनेशन देखो, फिर ऊपर एग्जांपल कराती हूँ। द यूनिक नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ईच बेसिस ऑफ वी इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ वी, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, DIM मींस डायमेंशन, और जिस भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन निकाल रहे हो वो अंदर आ जाएगा। याद रखिए, डायमेंशन बेसिस की नहीं होती है, मतलब एस जो हमने बेसिस बनाया था डायमेंशन उसकी नहीं है, डायमेंशन वेक्टर स्पेस की है, ठीक है। और करना क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं एस के, वो बनेगी डायमेंशन बड़े वाले वेक्टर स्पेस की। अब देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है फाइनाइट आ जाए, तो हम बोल देंगे कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर स्पेस है वो है फाइनाइट डायमेंशनल। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट ना आए, ठीक है। तो अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा वेक्टर स्पेस? इनफाइनाइट डायमेंशनल। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल देखिए। मैंने कहा था कि एस एम्प्टी भी हो सकता है, मान लीजिए एस एम्प्टी है, ठीक है। तो आपको बताया है मैंने कि एम्प्टी सेट को हम हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट लेके चलते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया कि एम्प्टी सेट का अगर स्पैन निकालें, तो देखो स्पैन ऑफ फाई क्या सिखाया था आपको? जीरो सिखाया था। इसका मतलब ये जो जीरो वेक्टर स्पेस है, इसका बेसिस कौन है? ये फाई। तो एम्प्टी सेट इज अ बेसिस ऑफ द जीरो वेक्टर स्पेस, ये बात याद रखें बेटे। ये कोई छोटी छोटी ट्रिवियल सी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने एम्प्टी सेट को हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ले रखा है, और जब हम इस एम्प्टी सेट का स्पैन लेते हैं तो वो जीरो के बराबर आता है। तो हम बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज द बेसिस ऑफ जीरो वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब ये बेसिस बन गया, तो मुझे अब इसकी डायमेंशन भी चाहिए। अगर इसकी डायमेंशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? मैंने आपको बोला नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे एस के, बेसिस बनेगा किसका? वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो डायमेंशन इसकी निकालेंगे हम, ठीक है, डायमेंशन ऑफ फाई, सॉरी, डायमेंशन बनेगी वेक्टर स्पेस की। तो वेक्टर स्पेस मेरा जीरो वेक्टर स्पेस है, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एस के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? देखो, एस तो एम्प्टी है, एम्प्टी मीन्स कोई है ही नहीं एलिमेंट उसके पास, तो डायमेंशन ऑफ जीरो वेक्टर स्पेस क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। एस के एलिमेंट काउंट कर लो, वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बन जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्टैंडर्ड वर्ड जरूर देखना है ध्यान से, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर एफ एन। देखो ये एफ क्या है? फील्ड है। फील्ड क्या हो सकती है आपकी? रियल नंबर्स की भी हो सकती थी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी हो सकती थी। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ आपसे आर एन की, ठीक है, मतलब फील्ड आर की फील्ड है,
ठीक है, रियल नंबर्स की फील्ड है, तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? तो याद रखना है, अगर एफ एन है तो स्टैंडर्ड बेसिस होगा ई वन ई टू, ये डैश डैश टिल ई एन। ये ई वन ई टू क्या है? ये देखो, ई वन का मतलब है कि देखो एफ एन के एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, एन टपल्स के फॉर्म के हैं ना, तो ई वन क्या होगा कि फर्स्ट नंबर पे तो वन लगा दो, बाकी के सारे एलिमेंट ज़ीरो कर दो। ई टू की डेफिनेशन ये है कि सेकेंड पोजिशन पे वन करो, बाकी सारे ज़ीरो कर दो। ई एन की डेफिनेशन हो गई सारे ज़ीरो और nth पोजिशन के ऊपर वन आएगा। ठीक है, तो ई वन ई टू और ई एन की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन है ई वन ई टू ई एन का, ये बेसिस बनाएगा एफ एन का। ठीक है, तो मान लीजिए एफ की जगह मैंने आर ले लिया, तो ये आर एन का बेसिस बना देगा, और इस बेसिस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। बेसिस और भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि एफ एन का सिर्फ एक ही बेसिस है, एफ एन के बहुत सारे बेसिस बना सकते हो आप। ठीक है, तो पर सबके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकलेंगे, देखो जैसे यहाँ पे ई वन ई टू ई एन है, तो एन एलिमेंट्स है ना, सब बेसिस के अंदर, हर एक बेसिस के अंदर एलिमेंट जो बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो एन ही होंगे, तभी हम बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ एफ एन इज एन। ठीक है, एलिमेंट्स कुड बी डिफरेंट बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल रिमेन सेम। दूसरी बात, ई वन ई टू ई एन की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जब बात स्टैंडर्ड की करी जा रही है, खाली बेसिस बोलो तो कोई भी बेसिस, जब स्टैंडर्ड बेसिस बोल दिया तो ई वन ई टू ई एन ही है आपके पास, राइट। चलिए शो करते हैं कि ये ई वन ई टू ई एन जो है ये बेसिस बनाता है। तो सबसे पहले एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना होगा। लीनियर इंडिपेंडेंस का क्या मीनिंग सिखाया था, जितने वैक्टर उतने स्केलर ले लो फील्ड से, तो स्केलर ले लिया हमने अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन फील्ड से, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उसको जीरो डाला, आपने अल्फा वन लिखा, ई वन की वैल्यू डाल दी, ई टू की वैल्यू डाल दी, ई एन की वैल्यू डाल दी। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, सब बच्चे लीनियर इंडिपेंडेंस सबको आती है, सब बच्चे वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करें, लीनियर इंडिपेंडेंस भी और जनरेटिंग सेट भी खुद बनाओ। ठीक है, तो आपने जब ये एक टपल दूसरे टपल के बराबर कब होगा, जब कंपोनेंट वाइज सबकी वैल्यू बराबर होगी, तो अल्फा वन की भी जीरो आ गई, अल्फा टू की भी जीरो, अल्फा थ्री की भी जीरो और अल्फा एन की भी जीरो आ गई, तो एस आपका क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। ठीक है, अब मुझे शो क्या करना है कि स्पैन एस, देखो जिसको बेसिस बनाना है उसी पे काम करना है, जिसको बेसिस बनाना है उसको पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करो, फिर उसी का स्पैन निकालो। ठीक है, तो अब मैं स्पैन एस निकालूंगी, वो किसके बराबर आना चाहिए, जो वेक्टर स्पेस ले रखा है उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो स्पैन का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, तो मैं जब बोल रही हूँ एफ एन इज इक्वल टू स्पैन एस, इसका क्या मतलब है, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट टेक ऑन दिस साइड एफ एन, इसका कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट कैन बी रिटन एज, स्पैन का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस, तो टेक एनी आर्बिट्ररी वेक्टर ऑन दिस साइड एफ एन, तो मैंने कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर लिया स्मॉल वी, वी अब एफ एन के एलिमेंट किस फॉर्म के, एन टपल, तो कोई भी एन टपल मैंने ले लिया एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन फॉर्म का, वेर ईच एल्फा ई बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, इस एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो एल्फा वन को बाहर किया 1000 मतलब ये इवन आ गया, फिर एल्फा टू को किया तो 010 लिख लिया, एल्फा एन को 001, तो ये क्या बन गया, एल्फा वन ई वन प्लस एल्फा टू ए टू प्लस एल्फा एन ई एन आ गया ना, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई वन ई टू ई एन, इसका मतलब ये स्पैन एस है। बच्चों जब तक पहले के लेक्चर सुन नहीं रखे होंगे तो ये समझ नहीं आएगा कि स्पैन का क्या मीनिंग है, स्पैन मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एफ एन आ गया स्पैन एस के बराबर, तो एस क्या हो गया मेरा, बेसिस बन गया एफ एन का, तो डायमेंशन क्या आ गई एफ एन की आपके पास, क्योंकि एफ इसका एफ एन का जो मैंने बेसिस बनाया उसके अंदर ई वन ई टू ई एन एन एलिमेंट्स थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस इज एन, तो डायमेंशन आ गई एफ एन की एन। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए अब इसको देखो, पर्टिकुलर केस देख लो इसका, एफ की जगह अगर मैं आर ले लूँ तो आर एन की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी, अगर एन की वैल्यू मैंने सपोज थ्री ले ली, आर क्यूब ले लिया, आर क्यूब के पास थ्री टपल्स होंगे, सबसे पहली बात तो इसका बेसिस क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस, इसका स्टैंडर्ड बेसिस होगा आर क्यूब है, तो ई वन ई टू ई थ्री, ई वन का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे वन बाकी दोनों जीरो, ई टू का मतलब सेकंड पोजीशन पे वन बाकी दोनों जीरो, ई थ्री का मतलब थर्ड पोजीशन पे वन बाकी दोनों जीरो, तो ई वन ई टू ई थ्री जो हो गया ये क्या बन गया, बेसिस बन गया, स्टैंडर्ड बेसिस बन गया आर क्यूब का, और इसके अंदर तीन एलिमेंट है ई वन ई टू ई थ्री, तो डायमेंशन ऑफ आर क्यूब क्या आ गई, थ्री आ गई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आर स्क्वायर देखो, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होगी, ई वन और ई टू दो एलिमेंट होंगे इसके पास, तो पहले एलिमेंट के लिए वन इधर लगा लिया और दूसरे में ई टू के लिए जीरो वन कर दिया, तो दो एलिमेंट आ गए, तो डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या आ गया, टू आ गया। बच्चों ये बातें छोटी छोटी सी याद रखनी है आपको कि आर एन का क्या बेसिस होता है, स्टैंडर्ड बेसिस, दूसरा कि डायमेंशन ऑफ आर एन जो है, याद रखें इस बात को, डायमेंशन ऑफ आर एन एन है, ये आगे बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में,
अगर आप छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो बिल्कुल 1 मिनट में, आप 1 सेकंड में क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर छोटी छोटी बातें याद रखोगे। ऐसे बेटा डायमेंशन ऑफ आर क्या होगी? 1 होगी। इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्या होगा? एक ही एलिमेंट होगा ना, और वो इवन होगा, ठीक है। तो इज क्या होगा? यही एक अकेला वन, ठीक है। इसी से सारे जनरेट हो जाएंगे, राइट। तो डायमेंशन ऑफ आर मिल गई आपको 1 और उसका बेसिस मिल गया आपको 1, क्लियर हो गया। चलिए और देखिए, फाइंड द बेसिस ऑफ एम 2x2 क्रॉस एफ। देखो बेटा बुक के अंदर ये एम बाय एन क्रॉस एफ है, आप 2x2 पे काम सीख लो, एम बाय एन पे आप अपने आप निकाल पाओगे। देखो मैंने अब क्या करना है, जिसका बेसिस आपको निकालना है पहले ये देखा करो उसके एलिमेंट किस फॉर्म के हैं। उसके एलिमेंट आप एम 2x2 का क्या मतलब है, एम मीन्स मैट्रिक्स, 2x2 मीन्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2x2। इस एफ का क्या मतलब है कि जो उसके अंदर एलिमेंट आते हैं वो फील्ड से आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ए बी सी डी ये तीनों एलिमेंट एफ के हैं, फील्ड से आ रहे हैं। तो अगर मैं आर लिख दूँ एफ की जगह तो रियल नंबर्स हो गए, सी लिख दूंगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। जेड टू लिख दूंगी तो जेड टू के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो हमने फिलहाल एक जनरल कॉन्सेप्ट लिया, एफ लिख दिया। तो 2x2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर विद एंट्रीज फ्रॉम एफ क्या होगा? ए बी सी डी। अब ना जब भी तुम्हें खुद बेसिस निकालना पड़ जाए तो तुम क्या करोगे, ये ए बी सी डी है ना, इसमें से एक एक एलिमेंट स्पैन से निकाला करो, ठीक है। इसमें से एक एक एलिमेंट करके बाहर निकालना शुरू करो। देखो पहले ए कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो ए की जगह पे तो 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0, ठीक है। फिर बी निकालो कॉमन, बी निकालोगे तो बी की जगह 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0। ऐसे ही फिर सी निकाल लो और फिर डी निकाल लो। तो अब आप ये देख रहे हो इस समय क्या है, ए इंटू सम मैट्रिक्स, बी इंटू सम मैट्रिक्स, सी इंटू सम मैट्रिक्स, डी इंटू सम मैट्रिक्स, और उनको ऐड किया हुआ है। तो एक तरीके से ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो बना। किसका बन गया? ये जो मैट्रिसेस बनाए हैं इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्पैन, इट मीन्स स्पैन ऑफ दीज मैट्रिसेस। तो यानी कि स्पैन वाली कंडीशन से ही मुझे बेसिस मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करो, ये जो अंदर ब्रैकेट में मैट्रिसेस निकल कर आ गए ना, इसी को एस मान लो, यही आपका बेसिस बन जाएगा, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, देखो स्पैन की कंडीशन तो यहीं से प्रूफ हो गई, स्टार से ही स्पैन वाली कंडीशन प्रूफ हो गई। बस ये E1, E2, ये जो भी आपने लिखे हैं मैट्रिसेस, इनको शो कर दो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो स्पैन की कंडीशन तो हमारी यहीं सेटिस्फाई हो गई लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये बेसिस बन जाएगा। तो जब भी कभी बेसिस आपको निकालना है तो जो वेक्टर स्पेस है उसका कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लीजिए और उसमें से ऐसे कॉमन निकाल निकाल के बेसिस बना लो, ठीक है बच्चों। तो मैंने एस इसको मान लिया, ठीक है। इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बच्चों ये मैंने करा भी रखे हैं और सब बच्चे इसको अपने आप लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करो। कैसे शो करोगे? चार वेक्टर है, चार स्केलर रो, α1, α2, α3, α4। α1 से पहला वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, α2 से सेकंड, α3 से थर्ड और α4 से फोर्थ। चारों को ऐड करके जीरो करिए और वैल्यू निकालिए स्केलर्स की, आपके सारे स्केलर जीरो आ जाएंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मुझे पता चला कि स्पैन की कंडीशन ऊपर सेटिस्फाई हो गई स्टार में, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग ही स्टार है। आप इस लीनियर कॉम्बिनेशन की जगह वर्ड यूज़ कर सकते हो स्पैन, ठीक है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने शो कर दिया तो ये इसका बेसिस बन गया। तो इसमें कितने एलिमेंट आए एस के पास? देखो 1, 2, 3, 4, चार मैट्रिक्स है ना, तो हमारी बेसिस एम 2x2 क्रॉस एफ के कितने डायमेंशन हो गई? 4 हो गई, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज 4, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ आ गई है मेरी। अब मान लीजिए कि एम बाय एन होता, एम बाय एन होता तो डायमेंशन कितनी आती? एम एन आ जाती, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर देखो, इन पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन बाय एफ क्या होगी? एम एन, ठीक है। मतलब आप याद रखें जो ऑर्डर आता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर, ठीक है। दूसरी बात एक और मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि ये देखो, जैसे ये 1000 है, इसमें ये वाली जो पोजीशन होती है जहाँ 1 लिखा है, ये मैट्रिक्स में क्या पोजीशन होती है? A11 पोजीशन ना। तो इस मैट्रिक्स का नाम मैंने रखा E11। ये जब आपका A12 पोजीशन पे 1 आए, बाकी सारे 0 आ जाएं, तो उसका नाम रखा जाता है E12। ऐसे ही जब आपका यहाँ पर ये A21 एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स का नाम हो गया E21। ये मैंने इसलिए बताया कि एक तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन हैं, दूसरी बात जब आपको m by n मैट्रिक्स का सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे क्या बताएंगे कि मैं बेसिस किस फॉर्म में बना रहा हूँ? E i j फॉर्म में बना रहा हूँ, जिसमें कि aij पोजीशन पे 1 होगा, बाकी सारे 0, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास कितने, क्योंकि एम एन आ जाएंगे ना मैट्रिक्स एलिमेंट्स आपके पास, तो आप लिखोगे कैसे उसको? तो आप इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए आप यही लिखोगे कि
हम इसका बेसिस एस कैसे लेंगे, ई आई जे, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, तो इस तरीके का मैट्रिसेस आप बनाएंगे। क्लियर। चलिए दूसरी बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शो दैट 1x x² x^n इज अ बेसिस ऑफ पी एन एफ। पी एन एफ को रिकॉल कीजिए, पी मीन्स पॉलिनोमियल, एन मीन्स डिग्री कैन बी लेस देन इक्वल टू एन, एफ मीन्स जो पॉलिनोमियल है उसके जो कोफिशेंट है वो फील्ड एफ से आएंगे। सो इट इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू एन विद एंट्रीज फ्रॉम एफ। तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 1x x² xn। बच्चों स्टैंडर्ड बेसिस आपको हर वेक्टर स्पेस का याद करना है। वेक्टर स्पेस आपके कोर्स में तीन चार ही हैं जो करने हैं, एक तो ये पॉलिनोमियल्स वाला, एक जो ऊपर मैट्रिसेस का कराया वो, और एक Rn। ठीक है, ये तीन ही वेक्टर स्पेस हैं जो मेन हमने पढ़े हैं। तो इन तीनों के स्टैंडर्ड बेसिस आपको लर्न करने हैं, इन तीनों की डायमेंशंस आपको लर्न करनी है। मैट्रिसेस के अंदर आपको बताया ऑर्डर से डायमेंशन मिलती है, Rn के अंदर डायमेंशन n होती है, और पॉलिनोमियल्स के अंदर डायमेंशन क्या होगी। देखो ये कितने एलिमेंट है, देखो x की पावर 1 से n तक, तो n ये हो गए और एक एलिमेंट आपका ये 1 वाला हो गया, तो n प्लस 1 एलिमेंट्स हो गए। तो डायमेंशन ऑफ पी एन एफ इज n प्लस 1। ये बातें आपको लर्न करनी है। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 1x x² x^n तक। तो आपने क्या किया, इसको s मान लिया। ठीक है, अब इसको शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इसी को शो करना है कि ये स्पैन भी करता है। मैंने दोनों काम आपको करवा रखे हैं इससे पहले वाले सेक्शन से, मैंने यहाँ दोबारा कर दिए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि सब बच्चे खुद करें इसको, वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पे फिर भी एक्सप्लेन ज़रूर कर देती हूँ। देखो आपको ये लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है, तो ये n प्लस 1 वैक्टर्स हैं, आप n प्लस 1 स्केलर्स ले लीजिए, हर एक स्केलर को उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैक्टर से मल्टीप्लाई करके 0 डालिए। आप सबको पता है 0 पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है, 0 + 0x + 0x² + 0xn। अब क्या करोगे, कोफिशेंट्स को कंपेयर करोगे। दो पॉलिनोमियल बराबर तभी होते हैं जब उनके डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशेंट बराबर हो। तो इधर से अल्फा नॉट आया, इधर से 0 आ गया, तो अल्फा नॉट 0। इधर से अल्फा 1 एक्स, एक्स का कोफिशेंट अल्फा 1, इधर एक्स का कोफिशेंट 0 है, तो अल्फा 1 भी 0 आ गया। तो इस तरीके से बेटा ये सारे कोफिशेंट 0 आ गए, तो आपका एस क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये शो करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल, आपको स्पैन की बात करनी है ना। स्पैन के लिए मैंने क्या कहा है, जो बड़ा वाला वेक्टर स्पेस होता है उसका कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लो और उसको शो करो कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस है। तो मैंने कोई भी आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल लिया पी एन एफ के अंदर, वो इस फॉर्म का ही होता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बच्चों देखो ए नॉट को मैं ए नॉट इंटू वन लिख सकती हूँ, ए वन को मैं ए वन बाहर करके एक्स अंदर कर लिया, इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो आपने देखा 1x xn, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया इनका। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्पैन, तो स्पैन एस आ गया आपके पास। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बेसिस बन गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस इज द डायमेंशन। तो एस के पास एन प्लस वन एलिमेंट है, तो पी एन एफ की एलिमेंट कितने आ गए, एन प्लस वन, मतलब डायमेंशन कितनी आ गई, एन प्लस वन आ गई। जब बेटा हम पी एन एफ की बात करते हैं तो हम पी एफ की भी करते हैं, मतलब किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल मेरे पास आ जाए। तो अब डिग्री डिफाइन नहीं है, तो ये 1x x² ये चलता जाएगा। अगर पी एन एफ लिखा होता तो मैं एक्स एन पे रुक जाती, पी एन की जगह कुछ और लिख देता, कोई भी फाइनाइट नंबर लिखता तो हम रुक जाते, तो हमें नहीं दे रखा तो हमने डैश डैश लगा दिया। तो अब ये बेसिस बनाएगा, तो अब इस बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे हमें तो नहीं पता, हमें कहाँ रुकना है नहीं पता ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो हम इस बेसिस में काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो पी एफ होगा ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनेगा। ठीक है, तो ये पी एफ का क्या मतलब है, सम ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ एनी डिग्री, कोई भी डिग्री हो सकती है, विद एंट्रीज फ्रॉम एफ। ठीक है, तो हमें पता चला कि हमारा जो बेसिस है कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनाइट हो। अगर बेसिस फाइनाइट नहीं है तो वेक्टर स्पेस क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट डायमेंशनल। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक थ्योरम प्रूफ करा देती हूँ बेटा, एक बात आपको बताना चाहूँगी, जिन बच्चों का 4 जून को पेपर है ये सेक्शन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा अब आपके पास समय की कमी है तो आप ये कर सकते हो कि इस वाले सेक्शन के अंदर सेक्शन 1.8 में 4 थ्योरम है। ठीक है, उन 4 में से कोई एक तो ज़रूर आनी चाहिए, तो या तो चारों थ्योरम कर लो अगर समय कम है तो, या फिर थ्योरम नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस भी आसान है। ठीक है, मैं करा रही हूँ यहाँ पे सब कुछ। तो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड बीटा इक्वल टू u1 u2 un बी अ सबसेट ऑफ v, देन बीटा इज अ बेसिस फॉर v इफ एंड ओनली इफ, iff मतलब इफ एंड ओनली इफ, ईच v बिलोंगिंग टू v मतलब वेक्टर स्पेस का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लोगे दैट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। ये वर्ड यूनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पहले एक बारी देख लेते हैं। एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ बी बीटा। देखो वो कह रहा है कोई एक वेक्टर स्पेस है, आप उसका कोई बेसिस लीजिए। तो वो ये कह रहा है कि अगर उस वेक्टर स्पेस का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लो, ये तो क्योंकि बेसिस है तो स्पैन तो करेगा ही करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन तो बनाएगा ही बनाएगा एलिमेंट्स ऑफ बीटा का, तो लीनियर कॉम्बिनेशन इस फॉर्म का है। अगर ये एक्सप्रेशन जो है यूनिक आ जाए तो आपको लीनियर इंडिपेंडेंस की कंडीशन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस अब उसी के बगैर उसी से बेसिस बन जाता है। दोबारा से सुनिए, यूनिकली वर्ड से जो है बेसिस की एक कंडीशन हम कम कर पा रहे हैं। देखिए मेरे को कोई वेक्टर स्पेस दिया हुआ था, मैंने उसका कोई ये बीटा जो है एक सबसेट लिया, मैंने शो किया कि आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर मैं वेक्टर स्पेस में लेती हूँ दैट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बीटा, तो मेरी स्पैन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसे बेसिस बनाने के लिए मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना था, मैं कह रही हूँ उसे ना शो करके आप ये शो कर दो कि ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने निकाली थी लीनियर कॉम्बिनेशन वाली ये यूनिक है। अगर ये यूनिक है तो भी वो बेसिस बना देगा, ठीक है। और ये कंडीशन दोनों साइड से ट्रू है कि अगर बेसिस है तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी, अगर यूनिक रिप्रेजेंटेशन है तो बेसिस होगा, ये मीनिंग है बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए हमने ले लिया लेट बीटा बी यानी बेसिस ऑफ बी, अगर बीटा बेसिस है तो वी क्या होगा, स्पैनिंग की कंडीशन को तो सेटिस्फाई होगी होगी, स्पैन बीटा करेंगे तो वी हो जाएगा, मतलब बीटा जनरेट्स वी आ जाएगा। तो आपने क्या किया, कोई भी आर्बिट्ररी स्पैन की कंडीशन लगाई, डेफिनेशन यूज करी, टेक एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑन द वेक्टर स्पेस दैट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बीटा, ठीक है। तो बीटा वी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग, सब बच्चों को क्लियर है, तो आपकी ये वन वाली कंडीशन आ जाएगी। अब मुझे सिर्फ इतना शो करना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है, अगर ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है तो ये मतलब जो मुझे प्रूफ करना है पहला पार्ट तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। देखो रिप्रेजेंटेशन यूनिक बनानी है, मैं कहती हूँ सपोज यूनिक ना होती ये ए वन ए टू, देखो यू वन यू टू यू एन तो चेंज ही नहीं होंगे, बी वन बी टू बी एन लगा देते हैं स्केलर्स की जगह पर, तो ए वन ए टू ए एन की जगह पर क्या आ जाएगा, बी वन बी टू बी एन आ जाएगा। मैं शो कर देती हूँ ये ए आईज जो हैं ये बी आईज के बराबर है, तो रिप्रेजेंटेशन यूनिक आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे को वन मिल गया, मेरे को टू मिल गया, मैंने वन और टू दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, तो देखो वी माइनस वी क्या हो जाएगा, जीरो। अब यू वन का कोफिशेंट इधर ए वन है इधर बी वन है तो माइनस करेंगे तो ए वन माइनस बी वन, ये सब कुछ आ गया यू वन यू टू यू वन। अब बेटा देखो स्टार्टिंग में जब मैं पहला पार्ट कर रही हूँ तो मैंने माना हुआ है कि बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंस कहता है कि जब किसी लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो डालोगे तो हर स्केलर जीरो आना चाहिए, तो इसका मतलब यू वन यू टू यू एन के जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर्स हैं वो क्या आने चाहिए, जीरो आने चाहिए। तो बीटा की लीनियर इंडिपेंडेंस यूज़ करी तो ए वन माइनस बी वन जीरो आया, इधर से ए टू माइनस बी टू जीरो आ जाएगा, इधर से ए एन माइनस बी एन जीरो आ जाएगा, तो सारे के सारे ए आई माइनस बी आई जीरो आ गए, इसका मतलब ए आई इक्वल टू बी आई आ गया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी, ठीक है। यहाँ से ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। दूसरा हम करते हैं, अब इसका उल्टा करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन यूनिक है तो ये बेसिस है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया कि सपोज कर लीजिए रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, आई विल शो दैट इट इज़ अ बेसिस। तो देखो बेटा रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, पहले खाली ये देखो कि रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, यही एक स्पैन की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा था, ठीक है ना। चलिए अगर इसको बेसिस बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करूँगी, लीनियर इंडिपेंडेंस शो करूँगी, ठीक है। तो लीनियर इंडिपेंडेंस शो करने के लिए क्या करते हैं, स्केलर्स लेते हैं और उतने ही वेक्टर होते हैं हमारे पास, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो डाल के हम शो करते हैं सारे स्केलर जीरो हैं। तो देखिए मैंने पहली वाली कंडीशन ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू प्लस ए एन यू एन तो जीरो आ गया। अब आप देखो कि क्या ये चीज़ सही है, जीरो इंटू यू वन प्लस जीरो इंटू यू टू प्लस जीरो इंटू यू एन इज जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो होता है तो मैं जीरो को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। अब मैंने तो कहा कि दोनों के दोनों रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, तो ये जीरो का लीनियर कॉम्बिनेशन है और ये नीचे वाला भी जीरो का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और जीरो कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। आर्बिट्ररी नहीं, जीरो तो बिलोंग्स टू वी, जीरो इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस, जिसकी मैंने दो रिप्रेजेंटेशन दे दी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन मैंने ये ए दे दी और एक बी दे दी, दोनों की दोनों जीरो की लीनियर कॉम्बिनेशन की रिप्रेजेंटेशंस हो गई। तो हाइपोथेसिस कह रही है कि दोनों रिप्रेजेंटेशन बराबर है, यूनिक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के को कंपेयर करूंगी तो मुझे पता चला ए वन जीरो के बराबर, ए टू जीरो के बराबर और ए एन जीरो के बराबर आ गया। तो मुझे तो यही शो करना था, अगर ये सारे स्केलर जीरो हैं तो बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। क्लियर हो गया बच्चों सबको। नेक्स्ट मुझे क्या शो करना है, बीटा को अगर बेसिस बनाना होता है तो नेक्स्ट मुझे शो करना होता है वी इक्वल टू स्पैन बीटा। तो इसके लिए मुझे क्या शो करना होगा, स्पैन बीटा कंटेंड इन वी और वी कंटेंड इन स्पैन बीटा, ये मुझे शो करना है। तो मैंने देखो कैसे शो करना है, आप सबको पता है स्पैन बीटा तो हमेशा ही वी के अंदर होता है,
मुझे शो करना है वी इज कंटेन्ड इन स्पैन बीटा। अब क्यों है स्पैन बीटा कंटेन्ड इन वी, मैं दिखा देती हूँ। आपने ये करी भी हुई है थ्योरम कि बीटा कंटेन्ड इन वी है, ठीक है, मतलब बीटा इज अ सबसेट ऑफ वी, ठीक। तो आपको पता है कि मैं अगर स्पैन बीटा निकालूंगी तो आप सबको पता है स्पैन ऑफ अ सेट इज ऑलवेज अ सबस्पेस, और सबस्पेस हमेशा सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का, तो स्पैन बीटा भी सबसेट आ जाएगा वेक्टर स्पेस वी का। तो ये बात तो मेरी प्रूफ हो गई, स्पैन बीटा इज कंटेंड इन वी। अब मुझे क्या शो करना रह गया, मुझे ये शो करना है कि वी इज कंटेंड इन स्पैन बीटा। तो आपको मैंने बताया दो सेट को अगर ये शो करना हो कि दिस इज कंटेंड इन दिस, तो क्या करते हैं, टेक एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑन वन साइड, शो दैट इट बिलोंग्स टू दी अदर साइड। सो लेट वी बिलोंग्स टू वी बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस वी। तो वी, अब हाइपोथेसिस क्या थी कि वी कैन बी यूनिकली रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा। तो अगर वी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा है तो इसका मतलब वी स्पैन बीटा के अंदर चला गया, क्योंकि स्पैन का तो मीनिंग ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो वी हमने लिया था कैपिटल वी में और वी आ गया स्पैन बीटा के अंदर, इसका मतलब कैपिटल वी इज कंटेंड इन स्पैन बीटा, ठीक है। तो मैंने शो करा स्पैन बीटा कंटेंड इन वी, वी कंटेंड इन स्पैन बीटा, तो ये दोनों के दोनों बराबर हो गए, ठीक है। टू टू सेट्स की इक्वालिटी क्या होती है, ईच ऑफ देम इज कंटेंड इन वन अनदर, ठीक है। तो मेरे पास वी इक्वल टू स्पैन बीटा आ गया, तो मुझे पता चला कि बीटा इज अ बेसिस फॉर वी। क्लियर हो गई बच्चों बात। अभी ये वाली थ्योरम आपको बाद में कराऊंगी, सारी थ्योरम इकट्ठी नहीं करा रही मैं, पहले कुछ क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि आपके पास बच्चों के पास टाइम की कमी है, तो जो क्वेश्चन ईजी हैं और बच्चा जल्दी से कर सकता है पहले मैं वो करा दूँ, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए बच्चों, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द बेसिस फॉर आर क्यूब। आर क्यूब लिखा है, सबसे पहले ये देखा करो आर क्यूब है तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 3 हो गई, मैंने बता रखा है आर एन की डायमेंशन एन है, तो आर क्यूब की डायमेंशन 3 है। तो इसके बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, तीन एलिमेंट होने चाहिए। तो पहले तो जो भी सेट ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बेसिस बनाता है या नहीं बनाता, तो पहले तो यही देख लिया करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसके पास 3 है कि नहीं है। अगर 3 की जगह 2 हो जाते या 4 हो जाते तो ये बेसिस बनाता ही नहीं, आप डायरेक्ट ही लिख सकते थे कि एस इज नॉट अ बेसिस, क्योंकि बेसिस के पास 3 एलिमेंट होने चाहिए थे और इसके पास इतने हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन तो पहले ही चेक कर लिया करो। अब इसमें तो 3 ही है, अगर 3 है तो फिर बस आप पूरा प्रोसीजर लगाइए कि अगर एलिमेंट 3 है तो आप शो कीजिए कि ये बेसिस है या नहीं है। उसके लिए पूरा प्रोसीजर लगाइए कि दोनों कंडीशन देखेंगे बेसिस की कौन कौन सी, कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और स्पैनस निकालने पर ये आर क्यूब जनरेट होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये दोनों देखनी है। आप लीनियर इंडिपेंडेंस सबको पता है कैसे चेक करते हैं, मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं लीनियर इंडिपेंडेंस के पहले वाले लेक्चर्स में। तो देखो 3 वेक्टर हैं तो 3 स्केलर ले लिए, 3 स्केलर लिए, हर एक स्केलर को अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई करके 0 डाला, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, आप सबको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इतना लंबा नहीं करना, थोड़ा समय की कमी है, तो मैंने बता रखा है आर क्यूब तक, तो आप ये भी कर सकते हो कि ये जो वेक्टर्स दे रखे हैं 1, 2 और 1, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, इन वेक्टर्स को कॉलम वेक्टर बना के डिटर्मिनेंट बना लो। मतलब पहला कॉलम बनाइए डिटर्मिनेंट का 2-4, 1, दूसरा कॉलम बनाइए 0, 3, 1, तीसरा बनाइए 6, 0, 1, और डिटर्मिनेंट निकाल दो उसका, ठीक है। देखो यही है ना, तो इस अगर आप पूरा लिख के करते हैं तो भी आपका इक्वेशन से यही डिटर्मिनेंट बनेगा, और अगर डायरेक्ट लिखते हो तो भी यही बनेगा, ठीक है। अगर आप इन इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म, तो कैसे आएगा, पहले अल्फा 1 के कोफिशिएंट ये रहे, फिर अल्फा 2 के, फिर अल्फा 3 के, ये आ गया। तो आपके पास ये आ गया यहाँ पे डिटर्मिनेंट। मैंने बताया होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या चीज होती है, अगर डिटर्मिनेंट 0 तो सॉल्यूशन नॉन जीरो, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो सॉल्यूशन 0। तो आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट होमोजेनियस सिस्टम का 0 आता है तो सॉल्यूशन नॉन जीरो, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आपको पता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा ही कंसिस्टेंट होता है, या तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है। होमोजेनियस सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट तो होगा ही नहीं, तो या तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, 0, 0, 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट निकालने से काम चल जाता है। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला, हमारा 0 आ गया, तो हमें पता चला कि सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल मतलब अदर देन 0, तो सॉल्यूशन अदर देन 0 है। इसका मतलब ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 जो हैं ये तीनों के तीनों 0 नहीं है। अगर ये तीनों 0 नहीं होंगे तो सिस्टम क्या बन जाएगा, लीनियरली नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट बन गया। अब एक भी कंडीशन रूल आउट हो गई बेटा तो बेसिस नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। तो हमें स्पैन देखने की जरूरत नहीं है, हम यही क्लेम कर देंगे कि इट इज नॉट अ बेसिस। समझ आ गई बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो आपको बताना है कि क्या ये सेट आर क्यूब का बेसिस है। अब आर क्यूब है तो डायमेंशन हुई 3, तो पहले तो यही देख लिया करो तीन वेक्टर गिवन है कि नहीं गिवन है। तो तीन वेक्टर गिवन है, ठीक है, अगर गिवन है तो फिर चेक करो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, स्पैन बनाता है कि नहीं बनाता। तो मैंने इसकी लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करी, सब बच्चों को डेफिनेशन से भी काम करना आना चाहिए और उससे भी आता है। तो हमने इसको तीनों स्केलर लिए, मल्टीप्लाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन बना के 0 डाला, ठीक है। फिर मैंने देखो डिटर्मिनेंट बनाया, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। पहले वाले वेक्टर को कॉलम वाइज प्लेस किया -1, 3, 1, दूसरे वाले को कॉलम वाइज प्लेस किया तो ये आ गया, तीसरे वाले को किया तो ये आ गया। निकालो डिटर्मिनेंट, आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया। होमोजेनियस सिस्टम में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो सॉल्यूशन जीरो, जीरो सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी होगा और जीरो सॉल्यूशन भी है, एक ही सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन आ गया α10, α20 और α30, ठीक है। तो लीनियर इंडिपेंडेंस तो मेरी निकल गई। अब मुझे क्या शो करना है, स्पैनिंग की कंडीशन। मुझे शो करना है कि जब मैं स्पैन निकालूंगी इस सेट एस का तो ये आर क्यूब बना देगा। तो करने का तरीका हमेशा बताया कि आर्बिट्ररी एलिमेंट लो वेक्टर स्पेस के अंदर और शो कर दो कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस है। तो आर क्यूब के एलिमेंट ऑर्डर ट्रिपलेट्स, तो एलिमेंट किस फॉर्म का आया, एबीसी फॉर्म का ले लिया। इस एबीसी को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए एलिमेंट्स ऑफ एस का, एस का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो तीन एलिमेंट है, तो तीन स्केलर लिए, मल्टीप्लाई करके ऐड किया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू नाउ दिस आर्बिट्ररी एलिमेंट एबीसी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो तीन इक्वेशंस बन गई आपके पास। अब तीन इक्वेशंस बनी हुई हैं तो इससे आप मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करना कैसे सिखाया, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लेकर, तो एक साइड पे ए के एलिमेंट लिखे, दूसरी साइड पे बी लिखा। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका सिखाया कि डायगनल के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो बनाइए, डायगनल के नीचे जितने एलिमेंट हैं उन सबको जीरो बना के दोबारा से इक्वेशंस बना के सॉल्व करेंगे। डायगनल के नीचे जीरो बनाने के लिए सबसे पहले पहला एलिमेंट वन होना चाहिए, तो ये -1 को पहले वन बनाना है। तो देख लीजिए इसके नीचे अगर वन है कहीं पे तो रो को इंटरचेंज कर लो, तो हमें तो मिल गई, ठीक है। तो मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज कर लिया, तो पूरे ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स में R1 और R3 को आपने इंटरचेंज कर लिया। अब इस वाले वन की हेल्प से क्या करते हैं, डायगनल के ऊपर वन बनाइए, डायगनल की हेल्प से उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाइए। तो मैंने डायगनल की हेल्प, डायगनल एलिमेंट वन बना के नीचे के दोनों एलिमेंट जीरो बनाए। रो ऑपरेशन सबको आती है लगानी, सब बच्चे लगा सकते हैं, मैं तो चाहती हूँ वीडियो पॉज करके सब बच्चे खुद करें, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है, जब पहला कॉलम सही हो जाए तो सेकंड कॉलम के अंदर डायगनल पे देखिए वन है कि नहीं है। अगर नहीं है वन तो पहले वन बनाओ इसको। तो मैंने देखा सेकंड कॉलम में डायगनल पे तो 5 था, ठीक है। तो 5 था तो क्या करोगे, 5 को 1 बनाने के लिए 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैंने R2 को कर लिया 1/5 R2। मैंने बेटा देख लिया R3 के अंदर -1 था तो क्यों ना इसको भी साथ में मल्टीप्लाई करके 1 बना ले। तो मैंने R3 को -R3 कर दिया। कोई बच्चा नहीं करेगा तो भी ठीक है, ठीक है। तो मैंने डायगनल पे 1 बना लिया सेकंड में। अब सेकंड कॉलम में डायगनल पे 1 आ गया तो इसकी हेल्प से अब नीचे जो है 0 बना दीजिए, 1 के नीचे जो एलिमेंट है उसको 0 बनाइए। A22 वाले 1 की हेल्प से नीचे वाले 1 को 0 बनाइए। तो आपने देखा आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों रो माइनस करनी पड़ेंगी, तो आपने माइनस कर दी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास ये बन गया, ठीक है, सब बच्चे लगा सकते हो। अब आपने देखा कि डायगनल के नीचे तीनों एलिमेंट 0 बन गए, ठीक है। डायगनल के नीचे 0 बनने के बाद क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो दोबारा से इक्वेशंस बनाओ, हमेशा इक्वेशन नीचे से बनानी है। पहले रो 3 से बनाएंगे, फिर रो 2 से, फिर रो 1 से। तो रो 3 से बनाई तो 3/5 ऑफ जेड आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस साइड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लो। फिर रो 2 की इक्वेशन बनाओगे तो y+2/5z इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जेड की वैल्यू डाल दो, वाई निकाल लो। फिर फर्स्ट रो से बनाएंगे, देखो मैंने, बच्चों कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो आप करके देख लेना, ठीक है बेटा। ये रो 2 से आंसर आ गया। फिर रो 1 से बनाई आपने इक्वेशन तो ये आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना आंसर मैच कर लेना, अगर कुछ मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो ये आ गया। तो आपने देखा कि ABC, AXYZ तीनों की वैल्यू आ गई। तो जहाँ बेटा हमने इसकी इक्वेशन बनाई थी वहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए एक्स की, वाई की और जेड की। अब आप ये देखने के लिए कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं, आप इस एक्सप्रेशन को खोलिए। ये पूरी एक्सप्रेशन जो राइट साइड पे आई है, इसको खोलने पर आपकी लेफ्ट साइड वाली एक्सप्रेशन ABC आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आपने जो ऊपर कैलकुलेशन करी है वो ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मुझे स्पैनिंग की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, लिनियरली इंडिपेंडेंट की भी हो गई, तो ये इसका बेसिस बना देगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एस इज अ बेसिस ऑफ आर क्यू। नेक्स्ट देखिए,
डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द बेसिस ऑफ पी टू आर। पी टू आर क्या हो गया, पी मीन्स पॉलिनोमियल, टी मतलब डिग्री लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है, आर मतलब कोफिशियंट्स आर फ्रॉम रियल नंबर्स। तो ये तीन दे रखे हैं। सबसे पहले रिकॉल कीजिए मैंने पी एन आर की कितनी डायमेंशन बताई थी। मैंने कहा था पॉलिनोमियल्स में डायमेंशन पी एन आर हो तो एन प्लस वन, तो यहाँ पे है पी टू आर, तो कितनी डायमेंशन आनी चाहिए, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, थ्री डायमेंशन आनी चाहिए। तो पहले तो तीन वैक्टर होने चाहिए, ये चेक कर लो, तीन वेक्टर हो तो आगे काम करो, तीन से कम हो तो यहीं लिख देना कि नहीं बनाएगा बेसिस। तो हमारे को तो तीन ही वेक्टर दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये बेसिस बन सकता है। तो अब है कि नहीं है, उसके लिए फिर से वही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराओ। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने सबसे पहले तीन स्केलर ले लिए, मल्टीप्लाई किया इनको, लीनियर कॉम्बिनेशन बना के जीरो डाला। तो आप सबको पता है कि पॉलिनोमियल्स बराबर तब होते हैं जब डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशियंट बराबर हो। तो मैंने कांस्टेंट टर्म का कोफिशियंट लिया, फिर कोफिशियंट ऑफ एक्स लिए दोनों साइड, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिए, उससे ये तीनों इक्वेशन बन गई। मैंने डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, क्योंकि तीन मैट्रिसेस हैं, होमोजीनियस सिस्टम है, डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट मेरा जीरो आ गया। मैंने क्या बताया, होमोजीनियस सिस्टम डिटर्मिनेंट जीरो तो सॉल्यूशन नॉन जीरो। तो सॉल्यूशन अगर नॉन जीरो आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल हो गया। नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, सारे स्केलर आपके जीरो नहीं आएंगे, सारे स्केलर जीरो नहीं आएंगे, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इट इज नॉट अ बेसिस। क्लियर, आगे चलिए नेक्स्ट देखो। ये तीन वेक्टर दे रखे हैं, फिर से इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, जीरो डाल के चेक कीजिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, बिल्कुल जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम तरीके से, ठीक है। तो मेरा ये बना, मैंने डिटर्मिनेंट निकाला इसका, इसका डिटर्मिनेंट बेटा नॉन जीरो आ गया। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन होगा, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, ए जीरो बी जीरो सी जीरो, तो एस क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। अब पी टू आर को शो करना है कि ये स्पैन एस है, तो इसके लिए क्या करोगे, टेक एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑन पी टू आर। आर्बिट्ररी एलिमेंट क्या होगा पी टू आर का, एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू टू। तो मैंने तो बेटा ए टू डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, अगर लेस देन टू होगा तो कोफिशियंट जीरो आ जाएगा अपने आप, ठीक है। आपको शो करना है इट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। तो मैंने ये आर्बिट्ररी एलिमेंट इधर लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन इस साइड पे बनाया, फिर वही काम कीजिए डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशियंट को कलेक्ट करके इक्वल कर दीजिए दोनों साइड पर। तो मैंने किया तो ये आ गया। अब फिर से ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा और डायगनल के नीचे जीरो बनाने पड़ेंगे। तो मैंने पहले ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिया, डायगनल के नीचे जीरो बनाने, अब सब बच्चों को आते हैं, सब बच्चे वीडियो पॉज करके खुद बनाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं ये सोच के कि हम बना ही लेंगे, प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। चलिए डायगनल पे वन बनाया, वन की हेल्प से नीचे दोनों जीरो बना लिए, फिर सेकेंड पोजिशन के ऊपर डायगनल को वन बनाना है, उसकी हेल्प से नीचे जीरो, ठीक है। आप सब बच्चे देख लो यहाँ से अपने आप करके, अपना आंसर मैच कर लेना, मैं दिखा देती हूँ फाइनल आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री तीनों की वैल्यूज निकल गई आपके पास, राइट, आपने निकल गई है। तो वो जहाँ पे स्पैनिंग वाली बात लिखी थी वहीं पे वैल्यू डाल के इनको शो कर देना कि ये स्पैन भी बना रहा है, तो ये इसका बेसिस भी बनाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू द पॉलिनोमियल्स दिस दिस एंड दिस जनरेट पी थ्री आर। अब देखो पी थ्री आर है ना, तो डायमेंशन क्या होगी पी थ्री आर की, फोर, तो चार वेक्टर होने चाहिए। तो मेरे पास कितने वेक्टर हैं, एक दो और एक तीन, तीन वेक्टर है ना, तो ये कभी बेसिस नहीं बनाएगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि डायमेंशन क्या आती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ऑफ इट इट्स बेसिस इज डायमेंशन। तो बेसिस मेरे को पता है पी है, पी थ्री आर के बेसिस में चार एलिमेंट होते हैं क्योंकि इसकी डायमेंशन फोर है, पर मेरे को तो तीन एलिमेंट दिया, तो ये तो इसका बेसिस नहीं बनाएगा, तो आप डायरेक्टली क्लेम कर दो, इसलिए मैं ये कंडीशन चेक करा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आपको पूछा है कि एक दो तीन चार, चार वेक्टर दिए हुए और आपसे पूछा कि क्या ये आर क्यूब का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा। देखो बेसिस नहीं बोला, बेसिस के ऊपर कंडीशन है कि अगर आर क्यूब है तो इसके पास, इसके बेसिस में तीन एलिमेंट होंगे, तो तीन ही तीन मतलब वेक्टर्स जो होंगे वही इसका बेसिस बनाएंगे। तो हम देखते कि यहाँ पे तो चार है, तो हम तो बोल देते ये नहीं हो सकता, तो हम कह देते ये बेसिस नहीं होगा, ठीक है। बट मैं अब आपको एक और तरीका भी, एक और प्रॉपर्टी भी बता रही हूँ लीनियर इंडिपेंडेंस की, मैंने प्रूफ नहीं कराई है ये, बट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करें। तो देखो आर क्यूब दे रखा है, इसकी डायमेंशन कितनी होती है थ्री, तो इसका मतलब इसके जो बेसिस होंगे ना उसके अंदर तीन एलिमेंट होने चाहिए,
अब बेसिस के लिए ना एक बात बच्चों याद कर लो कि बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है जो बेसिस का, जो जिसको हम बेसिस बनाते हैं ना वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, मतलब सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, ठीक है। उससे बड़ा अगर कोई सेट लोगे तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही निकलेगा, ये प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, ठीक है। तो मुझे पता चला कि डायमेंशन आर क्यूब की 3 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो आर क्यूब के पास एग्जिस्ट करता है उसके अंदर मैक्सिमम 3 एलिमेंट हो सकते हैं, अगर 3 से ज़्यादा लोगे तो वो क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे 4 दे रखे हैं तो इसलिए वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, तो ये 4 सेट, 4 वेक्टर जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाएंगे, तो हमारा आंसर आ गया नो, इट इज़ नॉट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ आर क्यूब। दूसरी बात ये भी याद रखें बेटा, लीनियर इंडिपेंडेंट मैक्सिमल होता है, मतलब बेसिस का जो सेट होता है वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और मिनिमल स्पैनिंग सेट होता है, स्पैनिंग सेट सबसे छोटा होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट सबसे बड़ा होता है बेसिस के पास, ठीक है। तो अच्छा एक बात और भी बताना चाहूंगी कि मैंने कह दिया कि भाई आर क्यूब की डायमेंशन 3 है तो इसके बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मैक्सिमल है इसका मतलब 3 से ज़्यादा वेक्टर अगर किसी ने ले लिए तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही आएगा, ना तो क्वेश्चन अराइज की अगर 3 से कम हो तो। बेटा 3 से कम होते, मान लो 2 ही वेक्टर होते या एक ही वेक्टर होता तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता था, बट वो बेसिस नहीं बनाएगा क्योंकि बेसिस के लिए तो 3 ही एलिमेंट चाहिए थे। जैसे आप याद कर सोचो जरा, इसके अंदर से मैं सिर्फ एक ही वेक्टर ले लेती 1 4 -6, और मैं आपसे पूछूं इज 1 4 -6 अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ आर क्यूब, मैं ये तीनों एलिमेंट हटा दिए, सिर्फ आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा इज 1 4 -6 अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ आर क्यूब, तो आंसर होगा यस। आपको पता है सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको डायमेंशन पता चल जाती है कि हमें पता है इसकी ये डायमेंशन है, तो ये देख लिया करो कि इसकी ये डायमेंशन अगर 3 है तो 3 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे, 3 से कम हो तो वो कुछ नहीं कह सकते, इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं डिपेंडेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात, और दूसरा स्पैनिंग सेट की बात होगी तो स्पैनिंग सेट मिनिमल होगा, मतलब इसी 3 से ज़्यादा वेक्टर वाला स्पैनिंग सेट बन सकता है पर 3 से कम वाला स्पैनिंग नहीं करेगा कभी भी, ये मिनिमल है, ठीक। तो चलिए अब आगे और चलते हैं चैप्टर को, ये क्वेश्चन सब बच्चे जरूर करके जाएंगे पेपर के लिए, ठीक है। 14th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आपको लिख के दिया फाइंड द बेसिस फॉर द फॉलोइंग सब स्पेसिस ऑफ F5, वर्ड सब स्पेस है। अब ये मत सोच लेना F5 लिखा है तो डायमेंशन जो होगी 5 होगी, F5 की डायमेंशन 5 है, इसके किसी सब स्पेस की डायमेंशन इससे कम होगी क्योंकि सब स्पेस तो वैसे ही सबसेट होता है, ठीक है। तो W1 की, ये जो W1 नीचे दे W दे रखा है आपको, W1 एक्चुअल में ये जो W1 आपको दे रखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसकी डायमेंशन 5 आ जाए क्योंकि ये सब स्पेस है, खुद नहीं है, सब स्पेस है तो अपने आप में वेक्टर स्पेस है, तो W1 की डायमेंशन ज़रूर होगी कोई ना कोई, बट वो अब F5 का सबसेट है तो 5 या 5 से कम होगी, 5 सिर्फ तब हो सकती है जब वो F5 के बराबर हो, ठीक है। तो देखो W1 के पास एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, 5 टपल, तो 5 टपल है जिसपे उसने कंडीशन क्या लगा दी, A1 - A3 - A4 = 0। देखो मैंने सबस्पेस है ये तो बहुत बारी प्रूफ कराया आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में। अब देखो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, जो भी सबस्पेस दे रखा है ना उसका आर्बिट्ररी एलिमेंट लिख लिया, इसके ऊपर जो ये कंडीशन है ना वो इसी के अंदर लगा दो, तो कंडीशन क्या बनी A1 = A3 + A4, तो मैंने A1 की जगह लिख दिया A3 + A4, बाकी के सारे एलिमेंट ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये जो एलिमेंट आ गए ना A3, ये जो आया इस वाली साइड पे जहाँ मेरी पेंसिल है, देखो आपने क्या करना है, इसमें आपको यहाँ ध्यान से देखेंगे जहाँ मेरी पेंसिल है, इसमें A2 A3 A4 A5 आपको दिखाई दे रहा है ना, एक बार A2 कॉमन निकालो, एक बार A3, एक बार A4 और एक बार A5। तो देखो मैंने यहाँ से A2 को कॉमन निकाला, तो जहाँ A2 दिखाई दे रहा है वहाँ 1 लगाइए, बाकी सब जगह 0, तो A3 और A4 की जगह 0, इधर A2 की जगह 1, इधर A3 में 0, इधर A4 में 0, A5 में 0, तो ये वेक्टर आ गया, ठीक है। फिर A3 कॉमन निकालो, A3 कॉमन निकालो तो जहाँ A3 दिखाई दे रहा हो वहाँ पे 1, बाकी सब जगह 0,
तो ए थ्री यहाँ दिख रहा है तो फर्स्ट पोजीशन पे वन आ गया, ए टू में जीरो आ जाएगा, इधर ए थ्री दिख रहा है तो यहाँ वन आएगा, तो वन और वन इधर आ गया। ऐसे ही बेटा ए फोर है ना, जहां जहां ए फोर दिखाई दे रहा हो वहां वहां पे कॉमन निकाल लो ए फोर। ठीक है, तो मैंने ए फोर निकाला, ए फाइव भी तो आएगा, ए टू ए थ्री ए फाइव भी निकलेगा कॉमन, ए फाइव कॉमन निकाला। तो जहां जहां पे ए फाइव दिखाई दे रहा हो वहां पर वन, बाकी सब जगह पर जीरो। ठीक है, तो ये मेरी रिप्रेजेंटेशन बन गई। ठीक, जरा इस अब इसके अंदर क्या करो, एक एलिमेंट और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये एलिमेंट वेक्टर बने हैं ना, ए टू का कोफिशियंट, ए थ्री का, ए फोर का, ए फाइव का कोफिशियंट, इनको बना लो एस, ये बनाएगा बेसिस। ठीक है, तो ये आपने एस निकाल लिया। अब देखो ये एस का लीनियर कॉम्बिनेशन है फर्स्ट के अंदर, एंड दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू वन, तो इसका मतलब स्पैनिंग की कंडीशन तो यही सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो स्पैन एस इक्वल टू डब्ल्यू वन तो आपका आ ही चुका है, क्योंकि हमने स्पैनिंग से तो निकाला वेक्टर स्पेस की क्या बेसिस होगा, तो स्पैन की कंडीशन हो गई। अब आप बस इसको ये शो कर दो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट निकला है तो यही एस इसका बेसिस बन जाएगा। तो लीनियर इंडिपेंडेंस करने के लिए आपको क्या करना है, वही एक दो तीन और एक चार, चार वेक्टर है तो चार लोगे आप, इससे गलती हुई हुई है। ठीक है, अल्फा फोर बिलोंग्स टू एफ, तो यहाँ पर बेटा एक और आ जाएगा, अल्फा फोर जीरो 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 इंटू वन। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा शायद, मैं चेक कर लूँ एक बार ही, हाँ ये ही आएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इनके दो टपल्स कब बराबर होते हैं आपको पता है, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो, तो मेरे पास ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब सारे स्केलर जीरो हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये इसका बेसिस बनाएगा, बेसिस है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज द डायमेंशन, तो एस के पास चार वैक्टर थे तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन की आ गई आपकी फोर आ गई। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गया। नेक्स्ट देखो डब्ल्यू टू, ये डब्ल्यू टू का कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें कंडीशन दी हुई है ए टू ए थ्री और ए फोर बराबर है, और ए वन प्लस ए फाइव जो है वो आपका जीरो आ रहा है। ठीक है, ये दे रखा है आपको, तो आपको मैंने बताया कि जो भी आर्बिट्ररी एलिमेंट दिया ना उसी के अंदर रिप्लेसमेंट कर दो इस कंडीशन की, तो फिर आपको कंडीशन बार बार देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा क्या आया, ये देखो मैंने ए टू ए थ्री और ए फोर है ना, किसी भी एक वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, मैंने ए टू की फॉर्म में लिख लिया तो ए थ्री की जगह ए टू डाल दिया और ए फोर की जगह ए टू डाल दिया। अब ए फाइव है ना, तो ए वन प्लस ए फाइव इक्वल टू जीरो है, तो ए फाइव क्या आ गया माइनस ए वन, तो मैंने ए फाइव की जगह माइनस ए वन लिख दिया। अब आपको बस यही काम करना है, इसमें ये वाली जो साइड है इसमें ए वन और ए टू दिखाई दे रहा है ना, तो एक ए वन कॉमन निकाल लो, एक बार ए टू कॉमन निकाल लो। ए वन को कॉमन निकालोगे तो जिस साइड पर ए वन, जहां ए वन दिखाई दे वहां पे वन, मतलब उसको कॉमन निकालो, तो जैसे यहाँ पर वन और इधर माइनस ए वन है तो इधर माइनस वन आ जाएगा, बाकी सब जगह जीरो। ऐसे ए टू को कॉमन निकाला तो ए टू वाली साइड पे वन और बाकी सब जगह पे जीरो। ठीक है, अब क्या होगा, ये दो वेक्टर आपको मिल गए। ठीक है, यहाँ से इन दोनों वेक्टर्स को उठा लो तो दो वेक्टर आपको मिल गए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो ये था कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट विच इज स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर प्लस स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, तो ये क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, तो स्पैन की कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड। क्लियर, अब मुझे शो करना रह गया कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है तो इसको शो कर दीजिए सारे स्केलर जीरो हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। सब बच्चों को आता है लीनियर इंडिपेंडेंस बनाना। ठीक है, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, उसको जीरो डाला, सॉल्व किया तो आपके पास ये आ गया, तो सारे स्केलर आपके जीरो आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। तो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आ गया, स्पैन भी आ गया, तो बेसिस बना देगा, बेसिस बना देगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके बेसिस में काउंट कर लो कितने थे, दो थे, तो डायमेंशन कितनी आ गई, टू आ गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, मैं इसको यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, पर अभी ये बेसिस एंड डायमेंशन अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ, इसमें तीन चार थ्योरम्स रह रही है, कुछ क्वेश्चंस भी रह रहे हैं, सो वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट लेक्चर, और इसको ज़रूर पढ़ें, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, जितनी तैयारी कर सकते हो उतनी कीजिए, माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।